मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने जो स्टार्ट किया था बीपीटी हमने स्टार्ट की थी कल, 10th मैथ से हम कर रहे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते थे। आज हम करेंगे, हमारा टॉपिक है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी जो बीपीटी में हमें प्रूव करना था वो हमें गिवन है और जो गिवन था वो हमें प्रूव करना है, तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपको दो तरीके से मिल सकता है, ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और मोस्ट प्रॉबली जो हमें मिलता है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलता है। स्टेटमेंट जैसे कि इसने लिखा हुआ है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है। इसने क्या बोला, एक ट्रायंगल लेट मैं इसको बोल देता हूं दिस इज ए बी सी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन हो कि ट्रायंगल पी के ओ आर है, ए बी सी है, जो भी हो, डी या जो भी बोल दे, तो एज इट इज लेना है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आप इसको ए बी सी लिख सकते हैं, आप इसको पी के ओ आर लिख सकते हैं, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो इसने क्या बोला, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, एक लाइन जो है वो क्या करती है, इसकी टू साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो। डिवाइड तो करती है बट इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो का मतलब जो हमने कल प्रूव किया था बीपीटी में, लेट मैं इसको डी और ई बोल देता हूं, दिस लाइन इज डी एंड ई। क्या करती है, सेम रेशियो मतलब जो पार्ट है मेरे, जो पार्ट है मेरे उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर मैं इस पार्ट को इसके साथ कंपेयर करूं तो इन दोनों का रेशियो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। Then the line must be parallel to the third side. तब मुझे प्रूव करना है कि जो लाइन इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, यानी D is parallel to BC, ये मुझे प्रूव करना है। This is your converse of BPT. तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन, जैसे कि मैंने बताया था ये चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि आपको डायग्राम बनाना चाहिए गिवन टू प्रूव, ये कोई भी लिख सकता है, एस डी मुझे पढ़ना होता है वही कॉपी पेस्ट करना होता है बस, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला, इन ट्रायंगल, तो मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या है मेरे पास, मेरे पास बोला इसने कि ये जो लाइन है इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। सेम रेशियो मतलब ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी, ये मुझे गिवन है इस ट्रायंगल के अंदर। क्या क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, ये लाइन जो है इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, वो मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट आता है, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि जो लाइन है जो दो लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, ये मुझे प्रूव करना है। अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसमें, देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल प्रूव करनी है। मैं मान लेता हूं कि ये पैरेलल नहीं है एक मिनट के लिए, और मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं यहां पे E डैश, सच दैट अगर मैं D और E डैश को ज्वाइन करता हूं तो ये BC के पैरेलल होगी। तो मैंने क्या कर दिया कि ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, मैंने ये ले लिया, मैंने DE डैश किसके पैरेलल ले लिया, BC के पैरेलल ले लिया। अब हम चलते हैं प्रूफ के ऊपर, अब प्रूफ में देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, देखो अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है, फर्स्ट मुझे गिवन क्या है, जो गिवन है उसको यूटिलाइजेशन मुझे करना है, सेकंड चीज क्या है जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है, अगर की है तो, नहीं है तो फिर गिवन से मुझे सारा कुछ करना पड़ता है, बट यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन भी की है तो इसका मतलब इन दोनों का यूज करके मैं ये चीज प्रूव करूंगा, यानी इन दोनों का यूज होगा। अगर आप कोई चीज यूज करे बगैर, मैंने क्या किया गिवन का यूज नहीं किया, सिर्फ कंस्ट्रक्शन से प्रूव कर दिया, या फिर मैंने सिर्फ गिवन का यूज किया कंस्ट्रक्शन की और उसका यूज ही नहीं किया, इसका मतलब नो यूज है ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी, कुछ ना कुछ गलत कर दिया हमने, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों में कि जो है उन्हीं दोनों चीजों से मुझे रिजल्ट मिल जाएगा बस। तो फर्स्ट मैं कंस्ट्रक्शन लेके चलता हूं कि मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की, मैंने किया है कि DE इज डी डैश इज पैरेलल टू BC, मैं यहां पे लिखता हूं बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से मैंने ये किया था। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, देखो ये ट्रायंगल ए बी सी में डी ई डैश जो है वो बी सी के पैरेलल है, कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी एक ट्रायंगल में एक लाइन जो है एक लाइन के पैरेलल है और दो अदर साइड्स को वो क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी अगर है तो मैं बोल सकता हूं कि ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी। रीजन क्या देंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आ गया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। और टू प्रूफ में जब भी हमें ध्यान रखना कि इन रीजंस के मार्क्स होते हैं, अगर आप रीजंस नहीं दोगे तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, हमें हमेशा रीजंस देना हर एक चीज के लिए, ठीक है।
अब फर्स्ट पार्ट हो गया, मैंने जो कंस्ट्रक्शन की थी उसका यूज कर दिया, मैंने आपको बोला है कंस्ट्रक्शन और गिवन दोनों का यूज करना होता है मुझे। सेकंड गिवन का देखते हैं गिवन से क्या मिलता है। गिवन मैं ऐसे लिखता हूं, AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय AC, ये मुझे क्या है गिवन है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। मैंने कंस्ट्रक्शन की थी उसका यूज कर लिया, मुझे गिवन था मैंने उसका यूज कर लिया, अब इन दोनों से मुझे क्या मिल रहा है, मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू टिकेट हमें क्या मिला, देखो मुझे दिख रहा है कि ये वाली जो पूरी साइड है वो इसके इक्वल है। कल उन्होंने बीपीटी में ये साइड ये चीज की थी कि अगर एक साइड मेरी इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या होगी मेरी इक्वल होगी, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी मेरी इक्वल होगी। यानी मैं बोल सकता हूँ सिंपल सा, अगर मैं समझूँ कि मैं बोलता हूँ कि ये ए कोई पर्सन है इसकी हाइट जो है बी के इक्वल है, और ये ए कोई पर्सन है इसकी हाइट सी के भी इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी और सी भी सेम हाइट के होंगे। मान लो ये 6 फीट का है, ठीक है, ये भी 6 का है, ये तो सेम ही है, तो ये भी 6 का होगा ये भी 6 का होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों भी क्या होंगे सेम हाइट के होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है मुझे कि सेम चीज इसके इक्वल है सेम चीज इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों चीजें भी इक्वल है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि AE डैश डिवाइड बाय E डैश C इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC, हो गया। इससे मुझे रिजल्ट मिला नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, यानी कुछ और करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक स्टेप और करते हैं, अभी हमें यहां पे करना पड़ेगा कि एडिंग वन बोथ साइड, हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ वन को ऐड कर रहे हैं, दोनों तरफ वन को ऐड मतलब AE डैश डिवाइड बाय E डैश C प्लस वन होल इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC प्लस वन, इतना आ गया। अब क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं दोनों साइड, ठीक है, इतना करने के बाद मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, मुझे पता है यहां 1/1 है, यहां बाय 1/1 है, दो टर्म्स है, वन का तो होता नहीं, तो ये वाला अगर मैं करता हूँ कि 1/5 है प्लस मुझे वन करना है तो 1/1 करूंगा, एलसीएम क्या आएगा 5, यानी ये वाले टर्म, तो सेम यहाँ पे क्या होगा ई डैश सी इज माई एलसीएम, योर एलसीएम इज ई डैश सी, ई डैश सी को ई डैश सी से डिवाइड करोगे 1 1 इनटू एई डैश, सो दिस बिकम एई डैश एज इट इज प्लस प्लस एन एज इट इज। अब यहाँ पे क्या वन है तो एज इट इज आएगा नहीं, मैं ई डैश सी को वन से डिवाइड करूंगा ई डैश सी आएगा, फिर उसको वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन मुझे क्या मिलेगा ई डैश सी ही मिलेगा इज इक्वल टू सेम यहाँ पे, यहाँ पे अब एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला टर्म एज इट इज ए एज इट इज प्लस वन इंटू ई सी इज ई सी एज इट इज, ए डैश प्लस ई डैश सी, ए डैश कौन सा है मेरा ये वाला है ए डैश ये वाला पोर्शन, और ई डैश सी मतलब ई डैश सी यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक, इन दोनों को ऐड कर दूं मैं क्या मिलेगा ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, यानी पूरा, यानी क्या बन जाएगा ए सी होल डिवाइड बाय ई डैश सी मेरा एज इट इज इक्वल टू ए प्लस ई सी, अब मेरा ए से लेकर के ई तक और ई से लेकर के सी तक, अल्टीमेटली बात तो मेरा ए सी है, इसमें अगेन दिस इज इक्वल टू ए सी होल डिवाइड बाय ई सी, ए सी एंड ए सी गेट कैंसल आउट, सेम चीजें कैंसिल आउट कर सकते हो। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा वन डिवाइडेड बाय ई डैश सी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसको यहाँ इसके साथ करूंगा क्या आएगा ई डैश सी इज इक्वल टू ई डैश सी, इतना समझ में आ गया। क्या ई सी और ई डैश सी इक्वल हो सकता है, क्या पॉसिबल है, यानी सी से लेकर के ई तक वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन छोटे वाला जो है वो ई डैश सी मतलब यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक, क्या ये पॉसिबल है, डायग्राम से तो नहीं लग रहा कि पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल हो सकता है। कब हो सकता है, अगर मैं बोल दूं कि ये जो मैंने ई डैश पॉइंट लिया था ये इसी ई के ऊपर ही है, यानी दोनों पॉइंट क्या एक के ऊपर है एक के ऊपर दूसरा है, यानी दोनों क्या कर रहे हैं कॉन्साइड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल कब हो सकता है, तो मैं लिखूंगा दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब मेरा ई एंड ई डैश कॉन्साइड्स,
इसका मतलब एक के ऊपर दूसरा पॉइंट, यानी दोनों पॉइंट सेम ही है, यानी ई जो है वो ई डैश है और ई डैश जो है ई है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, तो इतना हो गया, कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब ई और ई डैश सेम पॉइंट है। तो देखो मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि डी इज पैरेलल टू बी सी, यानी ये ई डैश जो है ई बी हो सकता है, इसको मैं ई भी लिख सकता हूँ, यानी तो देयरफॉर मैं क्या बोल दूंगा कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। क्या मुझे यही प्रूव करना था? बिल्कुल मुझे यही प्रूव करना था कि डी इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड, सिंपल। ठीक है, समझ में नहीं आया, वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। आई थिंक कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, कुछ टफ वाली बात है नहीं, सिंपल सा थ्योरम सा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। ठीक है, बेटर, थैंक यू।